अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। लखनऊ में आज महिला सशक्तिकरण को लेकर कई महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल महोदय आनंदीबेन पटेल और भारत सरकार की मंत्री सीता रमण जी यहाँ मौजूद रहीं। आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें चिकित्सा विभाग से रही मौजूद, कुछ समाज कल्याण से महिलाएं मौजूद रहीं, कुछ पुलिस विभाग से महिलाएं मौजूद रहीं। इन सम्मानित महिलाओं को जब प्रभा साक्षी ने बात किया तो आई जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जी, मेरा नाम निरुपमा सिंह है, बाल संरक्षण अधिकारी महिला कल्याण विभाग वाराणसी से। आज सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को सम्मानित किया गया है, महिलाओं को क्या कहेंगे? जी, ये मेरी पूरी वाराणसी टीम की तरफ से योगी सरकार को और पूरी टीम को यहाँ बधाई देती हूँ कि हम लोगों की मेहनत आज यहाँ पे रंग लाई और पूरे बनारस की तरफ से मुझे महिला कल्याण विभाग को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और जिस तरह से हम लोगों ने महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए काम किया है बनारस जनपद में आगे बढ़ाने के लिए बनारस को, उस तरह से हम लोग आगे और काम करते रहेंगे मिशन शक्ति, बालिका सुरक्षा, इन सब कामों पर। मैं डॉक्टर दीपा सिंह, एडिशनल CMO, वर्किंग एज अ डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर इन डिस्ट्रिक्ट बागपत। मिशन शक्ति के तहत सम्मानित की जा रही महिला सरकार द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी का, और जिन्होंने मेरा नाम दिया इस कार्यक्रम के लिए, मुझे इस लायक समझा, और मेरी टीम को, जिनकी वजह से मैं ये अचीव कर पाई। और मैं ये सभी के लिए मैं ये कहती हूँ कि आपको जो भी दायित्व मिले, जिस भी क्षेत्र में मिले, उसमें अपना 100% योगदान दीजिए। फिलहाल मुझे ये सम्मान कोविड वैक्सीनेशन में मिला है, जिसमें हमारा प्रदेश में दूसरा स्थान है, और 75 जिलों में मैं अकेली महिला DIO हूँ, और 45+ वैक्सीनेशन में हम प्रदेश में प्रथम स्थान पर हैं आज तक, जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। मेरा नाम विजी नायर है, मैं KGMC में सिस्टर इंचार्ज के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले 13 महिला सशक्तिकरण पर सम्मानित किया गया है जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मन कर रहा है कि अपने आप को और बाकी लोगों को, जितने भी लोग मेरे साथ कार्यरत हैं, उनको भी प्रोत्साहित करूं कि और अच्छे से काम करें। और उम्मीद करती हूं कि आज हमने जितना अच्छा काम किया, आगे भी हम इससे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। आज किन सेवाओं को लेकर आपको सम्मानित किया गया? मैं कोविड हॉस्पिटल में एज अ सिस्टर इंचार्ज कार्यरत थी, तो मैं कोविड से रिलेटेड वॉरियर हूँ। मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे द्वारा किए गए कार्य को सराहा और सम्मान किया, और बहुत सी महिलाएं हैं अभी भी हमारे पुलिस विभाग में, मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और उन्हें भी आगे सम्मानित किया जाए, ऐसी आशा करती हूँ। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभा साक्षी, लखनऊ।